यदि आप भी परेशान हैं पेटीएम के वॉलेट से, यदि आपका पैसा पेटीएम के वॉलेट में फंस गया है, तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहें। इस वीडियो में आप देखेंगे किस प्रकार से हमने हमारे पैसे जो कि पेटीएम वॉलेट में फंसे हुए हैं उनको हम अपने बैंक में ट्रांसफ़र करते हैं, वो भी लाइव और 5 मिनट के अंदर। तो दोस्तों मैं हूँ आपका अपना धीरेंद्र सिंह बिष्ट और आप देख रहे हैं इस टाइम टेक्नेटमी। दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आगे आने वाली और भी अच्छी अच्छी और हेल्पफुल वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों विस्तार पूर्वक जानते हैं। दोस्तों यदि आपका ही पैसा पेटीएम के वॉलेट में अटक गया है तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले पेटीएम एप्लीकेशन को ओपन करना है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं अभी हम जा रहे हैं पेटीएम बैलेंस हिस्ट्री के ऑप्शन पर, वहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा कि पेटीएम के वॉलेट में आपके कितने पैसे अटके हुए हैं। जैसे आप देख सकते हो इसमें 296 रुपये हमारे पेटीएम के वॉलेट में है और पेटीएम बैंक अलग है, बैंक ऑफ बड़ौदा अलग से है और पेटीएम पोस्ट पेड इसका एक्टिवेशन करना अभी बाकी है। तो दोस्तों पेटीएम जो बैलेंस है उसमें देख सकते हैं आप क्लिक करते ही, ये 200 रुपये पेटीएम वॉलेट अलग है, बाकी 96 रुपये का फ्यूल वॉलेट अलग है। फ्यूल वॉलेट का उपयोग हम लोग पेट्रोल स्टेशन पर पेट्रोल भराने के लिए करते हैं। दोस्तों हमें इसमें से 200 रुपये अपने अकाउंट में लेने हैं अभी, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, वापस में आना है और दोस्तों पेटीएम वॉलेट के ऑप्शन पर जाना है। आपको यहीं दिख जाएगा पेटीएम वॉलेट के ऊपर, ये दिख रहा है फ्लैट 20 रुपये कैशबैक, सेंड ए गिफ्ट वाउचर और ट्रांसफ़र टू बैंक। ट्रांसफ़र टू बैंक के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसमें आपको किसी भी रुपये का किसी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। तो यदि कोई व्यक्ति आपसे कहता है कि चार्ज लगेगा तो वो झूठ बोल रहा है। तो इसमें जैसे आप देख सकते हो हमें 200 रुपये का अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कराना है, तो प्रोसीड कर देंगे। यहाँ पर दोस्तों ये कह रहा है कि बैंक अकाउंट नया ऐड करना है या, तो हम नया ऐड करते हैं अभी। तो जैसे कि अभी नया ऐड करते हैं तो अब दोस्तों हम अलग अभी अलग अकाउंट लगा रहे हैं। दोस्तों इसमें आपको अकाउंट नंबर और इसमें आपको IFSC कोड लगा लेना है और इसमें उस और जिसका भी आपका अकाउंट लगा रहे हैं जिस भी अकाउंट मालिक का नाम लिख लेना है और प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। दोस्तों दोबारा अभी वेरिफिकेशन के लिए आपको दोबारा यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर लगाना है। और कन्फर्म कर देना है। और जैसे दोस्तों देख सकते हो इसमें किसी प्रकार का 200 रुपये जा रहा है और चार्ज 0 है और पेएबल टोटल कितना है 200 रुपये। तो अब प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर एक OTP आएगी अभी। और दोस्तों OTP यहाँ पर देखो OTP आ चुकी है हमारी 11-74-99। और एक OTP आएगी अभी 1-time password, जैसे इसमें और वेरीफाई करा देते हैं। अब ये मनी सेंड टू बैंक, तो दोस्तों हमारे 200 रुपये अकाउंट में जा चुके हैं और यहाँ पर जैसे आओगे आप पेटीएम बैलेंस हिस्ट्री पर, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए पेटीएम वॉलेट में 1 रुपये भी नहीं है, फ्यूल वॉलेट में 96 रुपये हैं जिनका उपयोग हम पेट्रोल भराने के लिए करेंगे। दोस्तों अभी तक आपने देखा कि किस प्रकार से हमने हमारे पेटीएम में उपस्थित सारे पैसे को हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिया है। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा और आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जिससे भविष्य में आने वाली और भी अच्छी अच्छी वीडियो को आप देख सकेंगे। दोस्तों मैं हूँ आपका अपना धीरेंद्र सिंह बिष्ट, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। चलिए धन्यवाद।